क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? चलो रुक्मिणी, अब ये नाटक बहुत हो गया, खोलो मुझे ऑफिस जाना। कोई जरूरत नहीं ऑफिस जाने की। अरे अगर मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा तो फिर ऑफिस का काम कौन देखेगा? मुझे कुछ नहीं पता, जो करना है यहाँ बैठ के करो। अरे कैसे करूँ मैं यहाँ बैठ के, इस हालत में तो मैं मक्खी भी नहीं मार सकता। रुक्मिणी देखो अब तुम ज्यादा मत करो, समझे ना, देखो ऑफिस में बहुत काम है, मुझे वो फाइलें देखनी है, जरूरी कागजात है। पता है, पता है, सब पता है, इतना मत बोलो। सुनने वाला तो ऐसा समझेगा जैसे ऑफिस की बड़ी पड़ी है तुमको। और क्या, मुझे पता है ना कि ऑफिस क्यों जाते हो? क्यों? उस मरी चुड़ैल की वजह से। और रही सवाल फाइलों की, वो तुम्हारा प्यून लेके आता ही होगा अभी। प्यून घर में आ रहा है? अरे वो मुझे ऐसी बदी हालत में देखेगा तो क्या सोचेगा? बोलो जल्दी, सुनो सुनो रुक्मिणी, खोलो, देखो खोलो मुझे, मैं कह रहा हूँ। यूरी जनाब, सारी की सारी फाइलें, पूरा ससुरी के। अरे जनाब ये क्या हो गया भाई, आपको घर में भी भैंस की तरह बांध के रखते हैं क्या? आ गया, तू सारी फाइल ले आया ना? जी आ गया जी, सारी फाइलें ले आया जी। हाँ। इवन को दफ्तर में जाने की कोई जरूरत नहीं। अरे उसे क्यों आग दिखा रहे हो, सही तो कह रहा है। हाँ जी, जब सारी फाइलें यहाँ पड़ी है तो दफ्तर में क्या दरिया से जी? और नहीं तो क्या? क्यों बे, कल मुझे क्या बकरा था? हाँ ऑफिस में मेरी जरूरत नहीं है जनाब, पर मेम साहब। अरे क्या मेम साहब, मेम साहब, चल खोल मुझे, मुझे चल खोल खोल। अरे इधर हाथ, हाथ से खोल। क्या कर रहा है, क्यों खोल रहा है? नहीं खोलता जी। ये फाइलें देखने के लिए मुझे हाथ तो खुले होने चाहिए ना मेरे। क्यों भाई, क्यों क्यों? वो है ना, तुमको फाइल खोल के दिखाएगा जी। जब मैं फाइलें खोल के दिखा रहा हूँ तो हाथ खोलने की जरूरत है जी? बहाने जनाब, आज यूं क्या हो रही है? आप यहाँ बकरी की तरह बंदे पड़े हो और उधर वो चूड़ी, और मेरा मतलब है कि जुड़ी की सिट्टी पिट्टी गुल है। आप दफ्तर नहीं आवेंगे तो काम कैसे चलेगा जी? नारायण, जब अक्कल बढ़ रही थी उस समय तू कहाँ था? आपको ढूंढ रहा था जी। कुछ नहीं जनाब। अरे चक्कर, जो बात उसके सामने कहनी चाहिए वो तू अकेले में मेरे सामने कह रहा है। अरे मुंह खोल के उसको बता, उसको क्या ऑफिस में मेरी कितनी जरूरत है जनाब। हम ठहरे जाट बुद्धि के, बात जरा देर से समझते हैं। बोल बोल बोल, कितना चाहिए बोल। ज्यादा नहीं जनाब, बस 50 रुपए एक डायलॉग के। 50 रुपए एक डायलॉग के? तू मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहा है हा? लेकिन एक बात याद रख, ज्यादा डायलॉग नहीं बोलना। जनाब जितना ज्यादा बोलूंगा जी उतनी जल्दी उनको पटा सकूंगा जी। किसे पटाने की बात हो रही है? क्लाइंटों को जी। आज दफ्तर में आने वाले हैं जी 20-25 लोग होंगे, बहुत बड़ा ठेका दिखे है जी, कम से कम 5-6 लाख का तो होगा जी। बस 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 नारायण बस, 100 चढ़ गया है। 100 नहीं जी, 250। 250 बार फोन कर चुके हैं जी, उनसे बात करना चाहते हैं। पर आप चिंता मत करिए जी, ज्यादा से ज्यादा क्या होएगा, और ठेका किसी और नहीं मिल जाएगा, तो थोड़ा सा नुकसान होएगा और के। हाँ और वो ठेका अगर हमारे दुश्मन वो मिच्चू की एजेंसी को मिल गया तो फिर क्या होगा? हाँ 5-6 लाख रुपए का फायदा उसको हो जाएगा, फिर उसका लड़का हमारी बेटी सरस्वती को लेकर भाग जाएगा, फिर हमारी बेटी सरस्वती हमारे दुश्मन के घर की बहू होगी, और उसका जिम्मेदार कौन होगा? कौन होगा रुक्मिणी? तुम होगी, तुम समझे? मैंने तो ये सब सोचा ही नहीं था। नहीं जी, आप जाओ।